दोस्तों फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप ये एरर बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं जो इसमें दिखाते हैं, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में अपने टाइटल में तो देख ही लूँगा कि आज की वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूँ। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और तो इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूले। तो आपको टाइटल में पता ही चल गया है कि कौन सा प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ मैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो सेटिंग है, सेटिंग में जाने के बाद आप सबसे पहले जाना है जो आपका एप्लीकेशन है उसे फाइंड करना है, एप्स एंड नोटिफिकेशन में जाना है। उसके बाद यहाँ पे ऐप्स में इंफॉर्मेशन में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइंड करना है, हर एंड्रॉयड डिवाइस में अलग अलग होता है, आप देख लीजिए। कुल मिला के आपको जो एप्लीकेशन को फाइंड करना है तो यहाँ पे मेरे को देखने को मिल जाता है, आपको बता देता हूँ, यहीं पे आपको गूगल पे देखने को मिल जाता है। नहीं मिल रहा है गूगल पे, यहीं कहीं होगा, ये रहा गूगल पे। तो इसको सिंपली करना क्या है आपको, यहाँ पे डाटा क्लियर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे स्टोरेज को ओपन करना है, डाटा क्लियर पे क्लिक करना है। डाटा क्लियर करने के बाद यहाँ पे 00 दिखाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। डाटा क्लियर करने के बाद उसके बाद आपको जाना है प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको 3 लाइन यहाँ पे दिखेगा, उसको क्लिक करना है। उसके बाद आपको माई गेम एंड ऐप्स पे क्लिक करना है, गेंड एम ऐप्स। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइंड करना है, नीचे की तरफ देखना है गूगल पे, इसको अपडेट करना है। तो इसको ओपन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिखेगा, इसे अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। आई होप कि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।